और एक खास मुलाकात डॉक्टर संगीता बलवंत जी से। मैम मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गाजीपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक चीज आपने देश के आए महिलाओं के लिए क्या है कि कुछ अलग करना है। जब हमारा पूरा देश 26 सितंबर को बेटी दिवस मना रहा था उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार में गाजीपुर के महिला विधायक को स्थान दिया और सबको यह संदेश दिया या स्थान देकर कि बेटियों के लिए महिलाओं के लिए केवल बात नहीं करते हैं और उन्हें पूरा हक और सम्मान भी देते हैं। और आज जब योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व इस देश और प्रदेश को प्राप्त है ऐसे में बेटियां अपने आप को गौरवान्वित और सुरक्षित महसूस करें। शिक्षा जगत की बात करें तो एक बड़ा नाम है और इतने व्यस्त समय के बाद भी बहुत सारे पत्रिकाएं या फिर आप किताबें आ जाए हैं और योगी जी से भी आपने मुलाकात किया तो कैसे समय निकालते हैं? लेखन कार्य मेरा बचपन का शौक रहा है और चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं कुछ न कुछ रात्रि के समय मैं लिखने का प्रयास करती हूं और जब कुछ लिखती हूं तो किताबें तैयार होती हैं आप लोगों के बीच में जाती हैं। गाजीपुर जिले के नाम के बारे में भी आपने क्या बन दिया क्या है नाम के देखिए अब हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय सभ्यता संस्कृति के गुरु सब हैं और उन्होंने पूर्व में कई जनपदों के नाम जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया है उसी तरह उसी कड़ी में मैंने भी अपने जनपद गाजीपुर का नाम बदलकर जो इसका पुराना नाम था गाजीपुरी वह कराने की बात की है। मैम इतने कम समय में जो बड़े लोग आपको देखते हैं जो युवा देखते हैं बहुत बड़ा आपने पेश किया अध्यापन के क्षेत्र के साथ साथ एजुकेशन में जो बच्चियाँ जो बच्चे आपसे प्रेरणा ले रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है युवाओं को? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप राष्ट्र के कर्णधार हैं राष्ट्र युवाओं पर निर्भर है और आपका जो भी एम है जो भी लक्ष्य है आप पूरी तन्मयता के साथ एकाग्रता के साथ उस पर ध्यान दीजिए राष्ट्र को आप देंगे और राष्ट्र आपको देगा और आप हमारे भारत को स्वर्णिम बनाने में हमारे भारत को बेहतर बनाने में विकासशील देशों की कतार की श्रेणी से हटाकर विकसित देशों की